नमस्ते, मैं वीना राठी। आज हम सीखने जा रहे हैं डेकोरेटिव फैंसी हार्ट शेप ग्रीटिंग। इस ग्रीटिंग को बनाने के लिए लगने वाली सामग्री है एक 30x20 सेंटीमीटर की हैंडमेड शीट, दो 10x10 सेंटीमीटर के हैंडमेड शीट स्क्वेयर्स, स्केल, पेंसिल, सीजर, डिफरेंट शेप्स की कटिंग वाली सीजर, कटर, पेन, इरेजर, लेस और ग्लू। आइए तो अब हम ग्रीटिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस शीट को 30x20 सेंटीमीटर इस तरीके से रख ले। बाद में इसके ऊपर से 5 सेंटीमीटर मार्क कर ले और नीचे से भी 5 सेंटीमीटर मार्क कर ले और इन दोनों लाइंस को हम मार्क कर ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद इसके लेफ्ट और राइट साइड से दोनों साइड से 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऐसा मार्किंग कर ले। इधर से भी 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर मार्क करने के बाद इसे इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर ले। तो ये हमारी लाइनिंग्स ड्रॉ हो चुकी है। इसके बाद हमें ये कॉर्नर्स हमें कट करना है। इस तरह से हमने ये चारों कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें इस कॉर्नर से इसके ऊपर और नीचे साइड से इस कॉर्नर से अगले 5 सेंटीमीटर तक सिर्फ कट करना है। हमें इसे काटना नहीं है। हम यह कट करके हमने इसे जस्ट फोल्ड किया है। अब हमें हार्ट शेप बनाने के लिए एक 10x10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेना है और उसको बीच से फोल्ड कर ये हमारा हार्ट शेप कट हो गया है। अब ये दो साइड के फ्लैप्स पे ड्रॉ करना है। अब हमें यह हार्ट शेप की आउटलाइंस कट करनी है ताकि हमारा फ्लैप रेडी हो जाए। इस तरह से हमारे ये दोनों फ्लैप रेडी है। अब हमें इन फ्लैप्स को भी यह मार्किंग तक फोल्ड करना है। इसके लिए आप स्केल का यूज कर सकते हो ताकि हमारी फोल्डिंग एकदम सही हो। आप देखोगे हमने पहले ये फोल्डिंग की थी और उसके बाद हमने
यह फोल्डिंग की है। वापस हम इसे बाहर की ओर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। यह सारी फोल्डिंग्स कंप्लीट होने के बाद हमें इसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों अंदर की ओर फोल्ड करना है। इसके बाद हमें इसका जस्ट एक ट्रायंगल लुक बनाना है। आप मेरी फोल्डिंग्स की ओर थोड़ा ध्यान देकर देखिए, मैंने इसका जस्ट ट्रायंगल लुक बनाया है। और उसके बाद ये जो नीचे बचा हुआ पोर्शन है, यहाँ के मार्किंग तक हमें इसे वापस अंदर की ओर फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। सेम हम इसके दूसरे साइड में करने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो हमें ये चार स्क्वायर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये रफ ग्रीटिंग तैयार हो चुका है। अब हमें इसे स्टिक करने के लिए सबसे पहले ये चारों स्क्वेयर्स को हमें ग्लू लगाना है। हम इसे कोई भी अच्छे ग्लू से स्टिक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है। इन चारों स्क्वेयर्स को ग्लू लगाने के बाद हमें इसका जस्ट ये फोल्ड यहाँ स्टिक करना है। इस तरह से हमें इसे स्टिक करना है और इस साइड भी। इसे थोड़ा प्रेस कर ले ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। सारे कॉर्नर्स अच्छे से स्टिक होने चाहिए। अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा ये हार्ट शेप इस तरह से नज़र आएगा। अब हमें इसके फ्लैप्स को और अंदर पोर्शन को डेकोरेट करने के लिए इस स्क्वायर 10x10 स्क्वायर शीट के इस तरह से हार्ट शेप कट करना है। और ये हार्ट शेप हम इसके अंदर कोई मैसेज लिख कर आप इसे अंदर रख सकते हो। इस तरह से आप इसे अंदर रख सकते हो। मैं इस तरह का हार्ट शेप कट कर उसके दो पीस करना है बीच में से। इस तरह से ये पीस करने के बाद हमें इसे यहाँ स्टिक करना है ताकि ये फ्लैप हमारा हार्ट शेप रेड कलर्ड हार्ट के जैसा लगे। हमें यहाँ दो मार्किंग्स करनी होगी जिससे हम हमारे लेस का यूज़ कर सके। ध्यान रहे मार्किंग्स सेम लाइन में होनी चाहिए। यहाँ मार्किंग्स कर हमें इसे थोड़ा कट करना होगा। इसे हम इस तरह थोड़ा होल कर लेंगे।
अब हम इन फ्लैप्स को यहाँ स्टिक करने जा रहे हैं। इस तरह से ये दोनों फ्लैप्स हमने स्टिक कर लिए हैं। इसे थोड़ा सही तरह से एडजस्ट कर लें। आप देख रहे हो हमें ये परफेक्ट हार्ट बनना नजर आया है। अब हमें इस हमने जो पहले होल कर रखा था उस होल को दोनों साइड से कट करना होगा। हमने यहाँ होल कर लिया है। इस तरह से हम सेकेंड पोर्शन में भी होल कर लेंगे। हमें जस्ट अपनी लेस को यूज करने के लिए यह होल करना है। अब इसके अंदर डेकोरेट करने के लिए इसी के बीच हमारे पास यह एक और कटिंग है, उसे आप यूज़ कर सकते हो और थोड़ा फैंसी दिखेगा। इस तरह हमने इसे स्टिक कर लिया है, यह और थोड़ा फैंसी लुक देगा। इसके बाद आप इसमें कोई भी स्टिकर या अपना फोटो या जिसे आप गिफ्ट करने जा रहे हो उसका फोटो यूज़ कर सकते हो और अपना मैसेज आप यहाँ लिख सकते हो। अब इसे पैक करने के लिए हमने ये होल्स के यूज़ हमें करना है। इसमें हम अपनी लेस डालेंगे। और ये रेडी है हमारा हार्ट शेप ग्रीटिंग। जस्ट इसे ओपन कीजिए और अपने किसी को गिफ्ट कीजिए। जस्ट पैक कीजिए। अगर आपको ये ग्रीटिंग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।